केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कर्मयोगियों को अपने आवास पर भोज के लिए आमंत्रित किया, जहां कर्मयोगियों ने बताया कि वह आज प्रधानमंत्री के विशेष अतिथि के तौर पर लाल किला गए थे। कर्मयोगियों से बात की हमारी सहयोगी भावना ने। चिकित्सा, स्वास्थ्य, विकास, सड़क, तमाम चीजें उन लोगों तक पहुंचे जो कि विकास के सिर्फ सपने देखा करते थे। मेरे साथ वो लोग मौजूद भी है, अजय भट्ट जी की आवाज पर है। अभी आप लोगों ने भोज भी किया है, मंत्री जी से मुलाकात भी हुई है। सबसे पहला आपसे अनुभव जानना चाहूंगी, क्या ये जिंदगी में पहली बार भी हो रहा है या पिछली सरकारों में भी कुछ ऐसा देखने के लिए मिला? मैंने इसकी पहले बार भी बोल दिया, इसके बाद भी बोलूंगा कि इसके पहले तो कभी हमने सपने में नहीं सोचा था कि दिल्ली कैसे होती है, लाल किला कैसा है, मेमोरियल कैसा है। तो आज ये पहला चांस मिला हमें कि यहाँ पहुंचे, हमने देखा। आपने पहले बोला मुझे कि बदलाव क्या हुआ 14-15 साल में मोदी जी का। मोदी जी ने 2-3 साल अच्छे किए हैं गरीब लोगों के लिए। एक तो पर मंथ किसानों को 2000 रुपया डाल रहा है, एक तो गोल्डन कार्ड 5 लाख रुपया, जो आदमी बड़ी बीमारी लगती है जिसको 5 लाख का वो फ्री कार्ड, उसको दवाई मिलती है। तीसरा, गरीब लोगों का अच्छा सोच रहा है कि गरीब लोग मेरे तक पहुँचे और मैं गरीब तक पहुँचूँ। ये नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं अकेला बैठूँ, मैं मेरे इधर नहीं कोई। पहली बार देखा आज प्रधानमंत्री को? पहली बार देखा, मैं बहुत शौक थी, बहुत अच्छा लगा। मैं बोलता था कि यही बैठ रहे हैं हमारे पास, इसकी बात ही सुनते रहे हम। एक बार अपने हाथ दिखाइए कैमरे की तरफ, अपने दोनों हाथों को दिखाइए। देखिए, बात कर्म योगी की हो रही है, बात श्रम योगियों की होती है, और ये वही लोग हैं जिन्हें अतिथि के तौर पर बुलाया गया। और कहते हैं कर्मों की निशानी हाथों में नजर आती है, और ये हाथ बता रहे हैं कि कितनी मेहनत की होगी बॉर्डर पर सड़कों को बनाने के लिए, कितना काम किया होगा, कितना पसीना बहाया होगा, कितनी रातें जो है खाली पेट गुजारी होगी। लेकिन 14 के बाद शायद जो अनुभव इन्होंने महसूस किया है वो अपनी जबानी ही बताते हुए नजर आ रहे। सड़क बनाते थे आप लोग, बताया गया कि कई बार तो ऐसा होता था कि भोजन भी आप लोग नहीं ले जा पाते थे क्योंकि हालात भी वहां पे ऐसे नहीं होते थे। मोदी जी का ऐसा कारण है कि ये दुनिया यहाँ अगर नहीं होते यहाँ नहीं पहुंचती। ये दुनिया पूरी गरीब लोग हैं, बॉर्डर के लोग हैं, पसमंदा लोग हैं। इनको कहाँ दिल्ली का काम पता था, लाल किला काम पता था, मेमोरियल काम पता था। आज 4 दिन से हमारा बीआरओ स्टाफ है, हमें लेके अपनी गाड़ी में घूम रहे हैं। व्यवस्था हमारा ठीक, खाना, रहना, उठना, बैठना हमारे साथ। दिल्ली कैसे लगी? दिल्ली तो बढ़िया है सर। दिल्ली क्या क्या बोलूँ, दिल्ली क्या बोलते हैं, राजधानी क्या बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि दिल्ली सबसे बड़ी दिल्ली है, टीम है जिसमें शिक्षा, चिकित्सा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।